दोस्तों किचन कुक फोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कद्दू सब्जी का जो फूल होता है उसकी सब्जी कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, जिसको गांव में कोमड़ा, देहात में कहते हैं कोमड़ा और शहर में कद्दू बोलते हैं, जी हाँ, उसके फूल की सब्जी कैसे बनाया जाता है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे कैसे कद्दू के फूल की सब्जी बनाई जाती है। सबसे पहले हम साबुत चावल और अरहर की दाल इसको पीस करके इसका पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे हैं कुछ मसाले जिसमें लाल मिर्च साबुत, खड़ी धनिया साबुत, जीरा खड़ा, प्याज और लहसुन इसका पेस्ट बनाएंगे ग्रेवी के लिए। उससे पहले लाल मिर्च, नमक और लहसुन इसको पीस लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे उसमें मिक्स करने के लिए। तो इसको, इस चटनी को पहले पीस करके जो हमने पाउडर बनाया था उसके अंदर डाल करके इसको मिक्स करेंगे। तो इसका पेस्ट अलग रहेगा और वो जो ग्रेवी वाला है ये वाला इसको पीस करके रख लेंगे, इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे। और इसको पीस करके हम रख लेंगे, इस तरीके से इसका पेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे तेल और जो बनाए थे पाउडर उसके अंदर जो मसाले डाले थे हमने उसको फेंट लिया है पानी डाल करके। इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और इसके अंदर ही कद्दू के जो सब्जी के फूल होते हैं उसको इसके अंदर लपेट करके इस तेल में हम फ्राई करेंगे। तो ये हैं कद्दू सब्जी के फूल, इसको ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया था हमने और इस तरीके से लपेट करके इसके अंदर हम पहले फ्राई करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, जैसे आम सब्जियां बनाई जाती हैं वैसे ये भी सब्जी है, लेकिन ये बहुत टेस्टी सब्जी है। दोस्तों ये रेसिपी आप देखें और एक बार इसको बना करके ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और ये हाफ डाउन हो चुका है, अब इसे हम पलटे करके पका लेंगे। तो ये पक गया है, इसे हम उतार लेंगे। तो सारे पीस हमने फ्राई कर लिए हैं और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए उसी तेल में हम कटा हुआ प्याज डालेंगे और जो ग्रेवी पीसे थे हम उस ग्रेवी को इसके अंदर डाल देंगे और इसको खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे, इतना भूनेंगे जितना, जब तक कि ये मसाले पक जाएं उतना भूनेंगे इसको, उतनी देर तक भूनना है। इसको भूनते भूनते जब घट हो गया, आप देख सकते हैं ग्रेवी पक चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी और पानी को आप अपने हिसाब से ही रखें, आपको जितना रखना उतना रख सकते हैं। और जब पानी पक जाएगा आप देख सकते हैं ग्रेवी पक चुकी है, इसका सारा तेल ऊपर आ गया है। तो अब इसके अंदर उन पीसों को जो हम पहले फ्राई किए थे इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में इसे थोड़ा सा पकाएंगे, सिर्फ थोड़ी देर, दो मिनट तक बस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे पीसों को उसके अंदर डाल दिया, अब इसे आपको सिर्फ दो मिनट तक पकाना है। और ये कद्दू की सब्जी के फूल की जो सब्ज़ी मैंने आपको बताया ये बन करके तैयार हो गया। दोस्तों ये था हमारा कद्दू के फूल की सब्ज़ी बनाने का तरीका। तो आपने देख लिया किस तरीके से कद्दू के फूल की सब्ज़ी बनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।